उचित है। मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा महानायक शुंभ। ये उचित नहीं हो रहा। महाराज शुंभ को मुझे देवी कौशिकी की महिमा के बारे में सूचित करना होगा। देवी कौशिकी नमो नमः। देवी कौशिकी नमो नमः। पुत्रियों, अब वो समय आ गया है पुत्रियों, जब तुम्हें यहां से प्रस्थान करना होगा। परंतु क्यों माता? क्योंकि अब शुंभ के आगमन में अधिक समय नहीं है। शुंभ और निशुंभ के अंत तक मैं तुम लोगों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होना चाहती हूँ। इसीलिए अब तुम लोग मेरी शक्ति के संरक्षण में विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में रहोगे। माता, आपके श्री चरणों से जाने का मन तो हम में से किसी का भी नहीं है, किंतु यदि यही आपकी आज्ञा है और यही उचित है तो हम आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। सुंदर स्त्री को शीघ्र ही स्वर्गाधिपति महानायक शुंभ का संदेश पहुंचाना है हमें, किंतु कहां है वो? हमारी रक्षा कर हमें सुरक्षित रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। हमारी प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। अवश्य पुत्रियों, माँ हूँ मैं और संतान की रक्षा माँ का धर्म है। इस गुफा के भीतर भी तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण रहेगा। यहां तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। माता हमारे जीवन को कभी भी अंधकारमय नहीं होने देंगी। माता की असीम कृपा पाकर हम कृतार्थ हुई। माता ने हमारे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच प्रस्तुत किया है। हम सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब कोई भी दुष्ट असुर देवियों के निकट नहीं आ पाएगा। माता, आपकी भक्ति ही हमारी शक्ति है। उसी कारण असुरों की कुदृष्टि से हम लोग सुरक्षित हैं। पुत्रियों, जगत जननी हूँ मैं, सभी मेरी संतानें हैं, और संतान इन असुरों के समान पथभ्रष्ट हो भी जाए, किंतु माँ अपना दायित्व कभी नहीं भूलती। तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहो। सेनापति धूम्रलोचन जी,
धीमे कीजिए ना, मेरे पास पीड़ा के कारण फटे जा रहे हैं, हृदय धोखने के समान दौड़ रहा है। यदि मुझे कुछ हो गया तो स्वर्गाधिपति शुंभ का संदेश आगे कैसे ले जाएंगे आप? ज्ञात नहीं महाराज, शुंभ ने इस सुग्रीव को मेरे साथ क्यों भेज दिया, जैसे कि मैं इस कार्य में एकाकी सक्षम ही नहीं। सेनापति धूम्रलोचन जी, आपको पूर्ण विश्वास है ना कि हम उचित मार्ग पर हैं? कितने समय से हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, किंतु उस सुंदर स्त्री का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। वो गजमुख गणेश मुझे यहीं लाया था, हम उत्तर दिशा से आए थे और इसी पर्वत पर उतरे थे, यहीं कहीं है वो स्थल, देखता हूँ। और कितना चलाइएगा? शब्दों के सत्य असत्य की फर्क तो दृष्टि से होती है। वो सुंदर स्त्री मुझे दिखाई देगी, तभी आपके कथन को सत्य मानूंगा। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है भैया। शुंभ का सेनापति धूम्रलोचन उसके दूत सुग्रीव के साथ माँ के निकट पहुँच चुका है, और माँ पूर्व में ही सभी माताओं को सुरक्षित स्थान पर भेज चुकी है। यही थी वो, यही स्थित एक अदृश्य बाधा के पीछे। अरे इस निर्जन वन में मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए धूम्रलोचन जी। शुंभ का प्रधान सेनापति हूं मैं, मुझे मार्ग दो। मैं उचित स्थल पर पहुंचाऊं सुग्रीव, अब तुम्हें और अधिक चलने की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। अद्भुत, अचानक इस वन में दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, जैसे कोई गुप्त द्वार अचानक खुल गया हो। सत्य कहा था ना मैंने, कदाचित उस दिव्य सुंदरी को भी ज्ञात हो गया कि हम उसके लिए यहाँ क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिससे उत्तेजित होकर उसने स्वयं हमारे लिए ये द्वार खोल दिए। नारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। चलो सुग्रीव। अवश्य अवश्य, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अद्भुत, ऐसा दिव्य वैभव, ऐसा अनुपम रूप, इसका सौंदर्य तो पूर्व से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। विलक्षण रूपमती है ये स्त्री, असुर महानायक ने विवाह हेतु उचित स्त्री का चुनाव किया है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं धूम्रलोचन जी। जनाने तो ये प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न कर दिया है। मैं सिंह की गर्जन से उड़ता जा रहा हूँ, मुझे रोकिए धूम्रलोचन जी, मुझे रोकिए। चिंता मत करो सुग्रीव, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। ये सिंह तो अपनी गर्जना में और वृद्धि कर रहा है, अब तो मैं भी खींचा चला जा रहा हूँ। हम युद्ध नहीं संवाद करने आए हैं, अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए अपने सिंह को शांत करो सुंदरी।
ये सिंह शांत हुआ तो हमें खड़े रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कदाचित इसने हमें अपना शत्रु समझ लिया था, इसलिए अपने सिंह को ऐसी गर्जना करने का आदेश दिया होगा। किंतु अब हम इसे वो संदेश देंगे जिसे सुनकर यह आनंदित हो जाएगी। स्वर्गाधिपति शुंभ की विवाहिता बनने का अवसर तो कोई भी सुंदर स्त्री कदापि नहीं गवाएगी। कहो कहो, क्या संवाद करना चाहते हो मुझसे? सुंदरी, तुम्हारे जैसी अपूर्व रूपमती पूरे संसार में कोई नहीं। ऐसा अनुपम सौंदर्य है तुम्हारा कि सूर्य और चंद्र की कांति भी तुम्हारे समक्ष फीकी पड़ जाए। और तुम बस, मात्र इतनी दूर यात्रा करके तुम मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करने आए हो? सौंदर्य की देवी, तुम इनकी बात का बुरा ना मानो। यीशु के सेनापति धूम्रलोचन है और मैं उनका दूत सुग्रीव। मैं तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन पाकर ऐसा अभिभूत हुआ कि मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकले। तुम्हारी जैसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में एक ही है। जैसे इस सृष्टि में एक ही पुरुष है जिसके समक्ष सूर्य और चंद्र दोनों ही नहीं टिक सकते। और ये महाप्रतापी रूपमान पुरुष तुम्हारे स्वामी शुंभ है। सर्वप्रथम इस सेनापति ने मेरे सौंदर्य की प्रशंसा की, फिर शुंभ के दूत अर्थात तुमने उसकी। किंतु मुझे किसी की भी प्रशंसा में कोई रुचि नहीं। फिर हम ये संवाद क्यों कर रहे हैं, ये मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं। तो मैं स्पष्ट किए देता हूँ। सुनो स्त्री, सौंदर्य और पराक्रम दोनों ही दृष्टि से हमारे स्वामी के योग्य हो तुम। इसीलिए हम उनके साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर यहाँ आए हैं। उचित तो यही है कि तुम इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर हमारे साथ चलो। ये इस प्रकार अठास क्यों कर रही है? मुझे ये बताओ, तुम दोनों रूपवान होने के अतिरिक्त कोई और गुण है भी तुम्हारे स्वामी में? इतना अहंकार है इसे अपने सौंदर्य का कि स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ के गुण पूछ रही है हमसे। बहुत चतुर स्त्री है ये धूम्रलोचन जी। इस प्रस्ताव को भली भांति परख रही है और उचित भी है। कोई भी नारी विवाह प्रस्ताव तो तभी स्वीकार करेगी ना जब उसे विश्वास हो जाए जिससे वो विवाह करने जा रही है वो सर्वथा उसके योग्य है कि नहीं है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं सुंदरी कि हमारे स्वामी कौन है। असुर महानायक शुंभ हैं वो, जिन्होंने अपने पराक्रम से पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों पर अपनी सत्ता स्थापित की है। और स्वर्ग की समस्त निधियां उनके नियंत्रण में है। कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, उच्चेश्वरा सबके स्वामी हैं वो। इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है उन्होंने। अब आपको पूर्ण परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे स्वामी का? अब तो स्पष्ट हो गया ना? तुम महावीर महातेजस्वी स्वर्ग के अधिपति शुंभ का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करे सुंदरी। सत्य कह रहे हो तुम, बहुत पराक्रमी, अत्यंत तेजस्वी और महावीर है तुम्हारे स्वामी शुंभ। मुझे क्या था, ये हमारा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगी। तुम्हारे स्वामी की वीरताएं की गाथाएं तो मैंने भी सुनी है। वही शुंभ है ना ये, जिसने मित्रता का ढोंग कर देवताओं को अपनी राजसभा में आमंत्रित किया और फिर दुत क्रिया अर्थात जुए की क्रीड़ा कर देवताओं का सर्वस्व छीनने का प्रयास किया। वही महापराक्रमी शुंभ है ना ये, जो प्रथम पूज्य गणेश देव सेनापति कार्तिकेय से सीख लेने के लिए विवश ही नहीं हुए अपितु देवराज के वाहन ऐरावत, माँ कामधेनु, कल्प वृक्ष और देवराज के मुकुट लौटाने पर भी बाध्य हो गए। अब समझा, ये तो असुर महानायक का अपमान करने का दुस्साहस कर रही है। वही परम वीर शुंभ है ना ये, जिसने स्वर्ग में अनुचित प्रवेश कर देवियों का अपमान करने का प्रयत्न किया।
किंतु उसमें मेरे अर्थात जगत जननी के हस्तक्षेप करने के कारण अक्षम्य रहे। और ये कैसे भूल गई मैं कि वही शक्तिशाली शुंभ है ना, जिसने देवताओं को बंधी बनाने का प्रयास किया। और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने न केवल इनकी संपूर्ण सेना को पराजित किया, अपितु स्वर्ग से इस अति पराक्रमी शुंभ की राजसभा से देवताओं को मुक्त भी करा लिया। ये सब इसे कैसे ज्ञात है? कदाचित ये असुर महानायक शुंभ का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने जा रही है। अरे वाह, बड़े वीर प्रमाणित हुए तुम्हारे असुर महानायक शुंभ। क्या कहा था तुमने? त्रिलोक विजेता, स्वर्गाधिपति, असुर महानायक शुंभ। एक भीरू और शक्तिहीन असुर को संसार का सबसे बड़ा वीर बता रहे हो तुम? बस, बस सुन चुका मैं। धूम लोचन। अपना स्वर ऊंचा करने का दुस्साहस मत करो। तुम अपने परमवीर महाराज के लिए मेरे समक्ष खड़े हो और मैं तुम्हारे ऊंचे स्वर को कदापि सहन नहीं करूंगी। इसकी गर्जना तो इसके सिंह की गर्जना के समान ही भयंकर है, किंतु मुझे इसका अहंकार खंडित करना ही होगा। है सुंदरी, ये तुम्हारा सौंदर्य नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की भूल कर रही हो तुम, किंतु मेरे स्वामी के प्रति उदंडता करके सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हो तुम, जिसे एक बार तो मैं अनसुना कर रहा हूँ, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार सहन नहीं करूंगा मैं। त्रिलोक के अधिपति हैं मेरे स्वामी शुंभ, स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया उन्होंने। अपनी अपार शक्ति के बल पर किसी भी स्त्री को अपने चरणों की दासी बना सकते हैं वो, और उनकी दासी बनना भी किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात है। नारी के प्रति ये दुर्भावना कदापि उचित नहीं। ये स्त्री तो क्रोधित हो रही है, कहीं इसने पुनः गर्जना की तो? नहीं नहीं, मेरे शांत रहने में मेरी सुरक्षा है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है स्त्री, कि असुर महानायक शुंभ ने पूर्ण सम्मान के साथ विवाह प्रस्ताव भिजवाया है, अन्यथा अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते। अच्छा, तो तनिक ये बताओ, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे वो? हे, प्रतीत होता है तुम अभी भी नहीं समझी, और वो चाहे तो उनके सैनिक तुम्हें उनके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें खींच कर भी ले जा सकते हैं। मैंने कोई परिहास किया क्या जो ये पुनः अट्टहास करने लगी? ऐ स्त्री, अट्टहास क्यों कर रही हो तुम? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? इनके प्रश्न का अभिप्राय है सुंदरी, क्या तुम्हारे इस अट्टहास को हम तुम्हारी स्वीकृति समझे? स्पष्ट कहो, हमारे स्वामी से विवाह का प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है ना? उचित है। मुझे क्या था, ऐसा उत्तम विवाह प्रस्ताव संसार की कोई भी स्त्री कदापि नहीं नकार सकती। हमें शीघ्र ये शुभ सूचना असुर मानक शुंभ तक पहुंचानी चाहिए। चलो सुग्रीव। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करे और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये स्त्री स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ से युद्ध करना चाहती है। माँ की ये घोषणा
उनके द्वारा शुंभ को युद्ध के निमंत्रण का तो एक ही अर्थ है, शुंभ के साथ साथ इन सभी दुष्टों का सर्वनाश। जिन देवी को आपने धूम्रलोचन और सुग्रीव को युक्ति अथवा शक्ति से यहां लाने का आदेश दिया है, उनकी शक्ति का आभास हमें बहुत समय से हो रहा है। स्मरण कीजिए, स्वर की देवियों की रक्षा देवी की मूर्ति से उत्पन्न हुए मोतियों ने ही की थी। देवताओं को बंदी बनाने गए असुर सेना के असंख्य सैनिक देवी के मंत्र से ही तंद्रा में चले गए थे और वो युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे, और उन्हीं के आशीष से कुमार कार्तिकेय ने यहां आकर यह बंदी इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त करा लिया था। और वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, जगत जननी है, देवी शक्ति है, और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शी तो मैं भी पूर्व में रहा हूं। स्वामी, असुर महानायक शुंभ ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा और तुम उन्हें युद्ध की चुनौती दे रही हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि तुम मेरे स्वामी को इस निर्जन पर्वत पर आने के लिए कह रही हो, वो भी तुमसे एक तुच्छ नारी से युद्ध करने। यही समस्या है नारी स्वभाव की, थोड़ा सा सम्मान क्या दिया तुम्हें, अहंकार वश अपना स्थान ही भूल गई। नहीं, तुम हमारे सम्मान योग्य नहीं हो, और अब मैं तुम्हें उस भाषा में समझाऊंगा जो तुम्हें समझ आएगी, ताड़ना की भाषा, उसी के योग्य हो तुम। सेनापति धूम्रलोचन उचित कह रहे हैं, शब्दों की नहीं शस्त्रों की भाषा ही सुंदरी के लिए उपयुक्त है। पूर्ण अवसर दिया था तुम्हें, किंतु स्त्री जनित मूर्खता के कारण तुमने वो अवसर भी गंवा दिया और सिद्ध कर दिया कि तुम यहां से बलपूर्वक ले जाने योग्य हो, और तुम ही नहीं स्वर्ग से भागकर तुम्हारी शरण में छिपी हुई वो देवियां भी जाएंगी असुर महानायक की दासियां बनने, और उन्हें हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अब इन दुष्टों को माँ की शक्ति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। दूत बन के आए हो तो दूत के अपने दायित्व का निर्वाह करो, अपने स्वामी को मेरा संदेश दो, अपने प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या कहा तुमने? एक तुच्छ नारी मेरे प्राण हरेगी? मेरा सामना करना तो दूर, तुम्हारे लिए मेरे ये सैनिक ही पर्याप्त है। सैनिको, आगे बढ़ो, बंदी बना लो इसे। ये दुष्ट असुर तो माता पर आक्रमण कर रहे हैं। नारी का अपमान कर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है धूम्रलोचन, और अपनी भूल को सुधारने का अवसर प्राप्त होने पर भी उसे व्यर्थ कर दिया तुमने, तो अब तुम्हें अपने अपराध का उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा। पकड़ लो इसे, बंदी बना लो,
अभी इसका दंभ खंडित होगा जब ये मेरी बंदी बनेगी और इसके दुस्साहस के दंड स्वरूप इसे अपने साथ खींचता हुआ ले जाऊंगा मैं। हाँ। तुम प्रत्यक्ष दर्शी रहे हो उसकी शक्ति के अर्थात असुर महानायक शुंभ, आपका सेनापति नियुक्त होने से पूर्व मैं सर्वशक्तिशाली महाराज महिषासुर का मंत्री था। महाराज महिषासुर और उनकी समस्त सेना का बड़ा भयंकर अंत किया था देवी आदि शक्ति ने। ये सब अनर्गल कथा सुनाकर हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो रक्तबीज, हमारी शक्ति के समक्ष वो देवी तनिक भी नहीं टिक सकती। तब देवी आदि शक्ति देवी कात्यायनी के रूप में थी, तब हमें देवी कात्यायनी का वास्तविक परिचय ज्ञात नहीं था और ना ही उनकी शक्ति का आभास था। और होता भी कैसे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि महाराज महिषासुर के साथ साथ हम सबको भी अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया था कि हम देवी कात्यायनी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बंद करो अपना नरगल प्रलाप। एक स्त्री इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? किस देवी शक्ति की बात कर रहे हो तुम? देवी कात्यायनी देवी पार्वती का ही स्वरूप है, वो देवी पार्वती जो जगत जननी है। जो जगत पिता महादेव की अर्धांगिनी है, उन जगत पिता महादेव की पत्नी है जिनसे वरदान पाकर मैं इतना शक्तिशाली बना हूं। व्यवहार किया इसने? क्या कहा था तुमने? मेरे लिए तुम्हारे सैनिक ही पर्याप्त है। प्रतीत होता है तुम्हारे सैनिकों के लिए मेरा सिंह ही पर्याप्त है। इसकी उदंडता, इसका अहंकार असहनीय हो रहा है मेरे लिए। जाओ, तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित लौटने का एक अवसर और देती। जाओ और जाकर अपने स्वामी शुंभ को मेरा संदेश दो। मेरे विचार से अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए अविलंब। hey, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। तुम्हारा अहंकार खंडित करके मुझे तुम्हें अपने वश में करना ही होगा। अहंकार तो अहंकारी का खंडित होता है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया और तुम्हारे ज्ञान चक्षु को निष्क्रिय कर दिया है। तुम अपने काल को अपने समक्ष पाकर भी उसे पहचान नहीं रहे। किसका काल किसके समक्ष है यह अभी ज्ञात हो जाएगा। तुच्छ नारी। Hey,
अद्भुत, धूम्रलोचन जी की शक्ति का सामना करना तो वास्तव में अत्यंत कठिन है। अब देखता हूँ मेरे प्रहार से अपनी रक्षा कैसे करती हो तुम। स्थिति इतनी बिगड़ जाए ये कहाँ चाहता था मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। विनय पूर्वक संवाद कर रहे थे तुमसे क्योंकि असुर महानायक शुंभ का विवाह तो आनंद का अवसर था, किंतु तुम अपने उदंडता से मुझे उकसाती रही। तुम्हारे जैसी अहंकारी और सुंदर स्त्री के लिए यही उचित है कि तुम्हें पालकी में नहीं खींच कर ले जाया जाए। चलो अब इसे अपना राजसी विवाह यात्रा समझना। विचार, वचन और कर्म तीनों से ही निरंतर अपनी दुष्टता का परिचय दे रहे हो तुम धूम्रलोचन। तुम्हारे पापों का फल तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने इस प्रहार से तुम्हें वश में करूंगा मैं। दया और धैर्य की सागर है जगत जननी देवी शक्ति, अपनी संतानों के अनेकों दोष क्षमा करती है, किंतु जब एक संतान अपनी माँ को माँ के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान पर उन्हीं पर कुदृष्टि डालने लगे, अपने माता के प्रति कुत्सित विचार रखे, तो माता का क्रोध तो जागृत होगा ही ना, और दंड भी तीव्र और भयंकर होगा। यही हुआ महाराज महिषासुर के साथ। मैं समझ गया था कि जगत जननी के समक्ष महिषासुर कदापि सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनके अंत के पूर्व मैं वहां से चला आया। उस रणभूमि से मेरे पलायन के कारण ही मैं आज जीवित हूं, और महाराज महिषासुर और उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो चुकी है। ये वही देवी पार्वती है जो तब देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई थी, और अब वो देवी कौशिकी के रूप में विंध्याचल पर्वत पे विराजमान है। असुर महानायक शुंभ, आपने मुझे अपने सेनापति के स्थान पर नियुक्त किया है, इसलिए आपको उचित सलाह देना मेरा कर्तव्य है, और मेरा सुझाव ये है कि आप जगत जननी की शरण में जाइए। वो अपने शरणागतों की सदा रक्षा करती है, उनके समस्त पाप क्षमा कर उन्हें अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कर उन्हें अभय दान देती है। मैं तो धूम्रलोचन के प्रस्थान करने के पूर्व ही आप सबको इससे अवगत कराना चाहता था, किंतु जो भी हुआ वो इतनी शीघ्रता से हुआ कि मुझे कुछ कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। असुर महानायक, अभी भी समय है, हम अभी भी धूम्रलोचन और सुग्रीव को लौटने का आदेश भेज सकते हैं। बस रक्त बीज बस। तुम मुझसे त्रिलोक के स्वामी से एक स्त्री के समक्ष झुककर उसका शरणागत बनने को कह रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? असुर महानायक शुंभ, मेरे सुझाव को अन्यथा मत समझिए। यदि आप जगत जननी के शरणागत नहीं होना चाहते तो मत होइए, किंतु उनसे उलझने की भी कोई आवश्यकता कहाँ है? उनसे नहीं उलझेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, शांति पूर्वक त्रिलोक का शासन करेंगे, सुख भोगेंगे। बस रक्त बीज, बहुत हुआ, तुम्हें अपना सेनापति बनाया, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। एक और ये निशुंभ चंड मुंड धूम्रलोचन जो मेरे लिए अपना जीवन तक निछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं,
और दूसरी ओर तुम जो मुझे स्त्री के चरणों में शीश रखने का सुझाव दे रहे हो। मैं ये कैसे समझाऊं आपको कि मेरे सुझाव को स्वीकार करने में ही आपकी सुरक्षा निहित है महानायक शुंभ। आपने सुना असुर महानायक, कितनी भयंकर हुंकार थी देवी शक्ति की। अवश्य अवश्य तुम लोचन में उनके क्रोध का भागी बन चुका होगा। बस रक्त बीज, ये देवी देवी की क्या रक्त लगा रखी है? कैसे योद्धा हो तुम जो संपूर्ण समुदाय को भीरू बनाने पर तुले हो? तुम जैसे शक्तिशाली सहयोगी विद्रोही बन जाए तो असुरों की पराजय कौन रोक सकता है? तुम ये कह रहे हो ना कि महिषासुर का अंत देवी कात्यायनी के हाथों हुआ, परंतु वो महिषासुर था और मैं लोकाधिपति शुंभ हूं, सर्वशक्तिमान शुंभ, सर्वशक्तिमान शुंभ। यदि आवश्यकता हुई तो ऐसा स्तंभन उत्पन्न करूंगा, वो स्त्री जिसे तुम जगत जननी कहकर पुकारते हो वो भी स्तंभ हो जाएगी। उस देवी की शक्ति मेरी शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं। सत्य तो ये है महानायक शुंभ, यदि वो देवी क्षण भर के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन मात्र कर दे तो हम सभी धूल धूसरित हो जाएंगे। कहो, तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का इतना परिचय पर्याप्त है ना धूम्रलोचन? मैं सुरक्षित हूँ, भस्म नहीं हुआ मैं। मैं चाहती तो तुम्हें भी भस्म कर सकती थी, किंतु तुम तो मात्र एक दूत हो और एक दूत का अंत नहीं करना चाहती मैं। इसीलिए अब जाओ और जाकर अपने वीर असुर महानायक शुंभ को मेरा संदेश दो। बताओ उन्हें कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित नहीं किया, सुरक्षित जाने दिया तुम्हें। तो क्या धूमलोचन जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली? कदाचित यही उचित है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। Oh,
गणेश, धूम्रलोचन जैसा अहंकारी इस प्रकार पीछे मुड़कर लौट जाने वालों में से नहीं। हाँ भैया, किंतु कदाचित वो समझ गया है कि इसी में उसकी सुरक्षा है। ये आभूषणों की चमक कहां से आ रही है? अच्छा, तो स्वर्ग की देवियों को यहाँ छिपा कर रखा है इसने। इस दुष्ट ने तो हमें देख लिया। सेनापति धूम्रलोचन जी क्या करने जा रहे हैं? पुनः पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? बहुत भाग्यशाली हैं मेरे स्वामी। उन्हीं के भाग्य के परिणाम स्वरूप मैं उचित समय पर उचित स्थल पर हूँ। और यहाँ आया तो था मैं तुम्हारे लिए सुंदरी, और कदाचित तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि मैं पराजित हो गया। उचित है, किंतु मेरी पराजय में ही मेरी जय है। ए स्त्री, अब तो मैं अपने स्वामी के लिए दो दो उपहार लेकर जाऊंगा। एक तो तुम जीवित अथवा मृत अवस्था में, और दूसरा वो देवियां जिनको तुमने गुफा में छुपा कर रखा है। इसने पुनः अपनी कुदृष्टि डाली देवियों पर। जाओ, बाहर निकालो इन देवियों को, बंदी बना लो। माताओं को अपनी दुष्टता का लक्ष्य बनाकर धूम्रलोचन सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है अब, और अब माँ उनके इस व्यवहार को कदापि सहन नहीं करेंगी। माँ के कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं, अन्यथा अभी इस धूम्रलोचन को इसके दुर्वचनों का उचित दंड देता मैं। कहो स्त्री, अब मेरे सैनिकों से अपनी देवियों की रक्षा कैसे करोगी तुम? तुम्हारे हाथों में घंटा? तो तुम क्या मेरे असुर सैनिकों को घंटा बजाकर रोकोगी? इस घंटा से अंत करोगी उनका? Oh!
मायाविनी, ये मत समझना कि तूने अपनी माया से मुझे धूम्रलोचन को परास्त कर दिया। तू जितने बार भी मेरे असुरों को गिराएगी, मैं उतने ही बार नवीन असुर उत्पन्न करूंगा। अपने हाथ हिलाने में अक्षम्य हो तुम। अब इस हाथों से कोई और असुर उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अब तुमसे तुम्हारे ये हाथ ही छीन लूंगी मैं। सेनापति धूम्रलोचन को इतनी दयनीय अवस्था में डाल दिया इस स्त्री ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारी? अब हाथों से रहित होने के बाद भी तुम्हारा वध करूंगा मैं। बस बहुत हुई ये क्रीड़ा। तो जब धूम्रलोचन उस स्त्री को अपने बंधन में बांध कर लौटेगा, तब तुम्हें अनुमान होगा मेरी शक्ति का। अब मैं आपको कैसे समझाऊं स्वामी, शक्ति का उचित अनुमान लगाने की आवश्यकता आपको है। असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ। सुना तुमने? सुना, लौट आया मेरा सेनापति धूम्रलोचन। अब तो आपके विवाह के प्रबंध आरंभ करने चाहिए। आरंभ करो, अवश्य आरंभ करो। ये कैसे संभव है? तो अंततः माँ ने धूम्रलोचन को शुंभ के निकट पहुंचा दिया। और रही बात सुग्रीव की, वो तो मुझे आज मत कीजिए माता, मैं अपने सभी भूलों की क्षमा मांगता हूँ। आपके आदेश का पालन करूंगा माता। अभी जाकर आपका संदेश अपने स्वामी तक पहुंचाता हूँ। मत कीजिए माता। मेरे देखते देखते भस्म हो गया धूम्रलोचन।
मेरी ही राज्यसभा में मेरे सेनापति धूम्रलोचन का इतना भयंकर अंत हुआ। प्रतीत होता है भ्राता शुंभ का क्रोध अपने चरम पर पहुंच रहा है। किसने किया ये? मेरे सेनापति धूम्रलोचन का अंत करने का दुस्साहस किसने किया? असुर महान एक सुम्भ महाराज। सुग्रीव, इसे धूम्रलोचन के साथ भेजा था मैंने, इसे अवश्य ज्ञात होगा। महाराज, वो बहुत भीषण शक्तिशाली है महाराज। उसने मेरे नेत्रों के समक्ष बहुत निर्दयता से धूम्रलोचन का उसने क्या बोल रहे हो? किसने किया ये? स्पष्ट बोलो, किसका दुष्कृत्य है ये? किसने किया सेनापति धूम्रलोचन का वध? ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है असुर महानायक शुंभ, कि सुग्रीव देवी शक्ति का उल्लेख कर रहा है। स्पष्ट है कि उन्होंने उसका अंत किया है, फिर भी आप ये क्यों जता रहे हैं जिससे आप इसे अनभिज्ञ हो? धूम्रलोचन का वध उस नारी ने किया महाराज, जिसके समक्ष हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे, देवी कौशिकी। भले ही तुमने धूम्रलोचन का वध कर दिया, किंतु अब देखता हूँ मेरे अगले वार का सामना तुम कैसे करती हो। बोलो। देवी कौशिकी ने आपके प्रस्ताव के उत्तर में ये संदेश भेजा। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। युद्ध करेगी वो स्त्री भ्राता शुंभ से? ये संदेश भेजा है उसने? देवी शक्ति से युद्ध का परिणाम तो भयंकर ही होगा। भ्राता शुंभ, ये संदेश नहीं है, ये तो चुनौती है उसकी आपके लिए। प्रतीत होता है ये स्त्री चतुराई कर रही है। उसने ये प्रपंच इसलिए रचा ताकि वो स्वयं को आपसे ऊपर रख सके। जात है उसे, अत्यंत सौंदर्य संपन्न है वो, बस उसी का अहंकार दर्शा रही है। ये क्या कह रहे हैं सभी? क्या इन्हें अभी भी यह आभास नहीं हुआ कि असुर महानायक शुंभ का वहां जाना स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है? मुंड से सर्वथा मैं सहमत हूं, वो तो आप पर अपना प्रभाव स्थापित करने की क्रीड़ा कर रही है महाराज शुंभ। ये कोई क्रीड़ा नहीं है, मेरी दृष्टिता क्षमा करें, किंतु इस संपूर्ण घटनाक्रम में ऐसा क्या है जो अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ है असुर महानायक शुंभ? सत्य हमारे समक्ष है, धूम्रलोचन का अंत हो चुका है, देवी कौशिकी ने उसका वध किया है और अब वो आपको युद्ध के लिए ललकार रही है, और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है अपितु पराम्बा है। मैं तो आपको कब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उनसे उलझना उचित नहीं है, क्योंकि जो दुर्दशा आज धूम्रलोचन की हुई है वो कल हम सबकी भी हो सकती है। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ रक्तबीज, कि मैं असुर महानायक शुंभ किसी स्त्री के समक्ष नहीं झुकूंगा, किसी अवला नारी का शरणागत कभी नहीं बनूंगा मैं, कभी नहीं, कदापि नहीं। रक्तबीज तुम जैसे सहयोगी तो कदाचित शत्रु से भी अधिक घातक है, क्योंकि युद्ध के पूर्व ही तुम पराजय की घोषणा कर रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती इतने बड़े शक्तिशाली असुर होकर भी भीरुता का प्रदर्शन कर रहे हो तुम? उस देवी से तो तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए रक्तबीज।
भागने या छुपने या समर्पण करने के लिए नहीं। यदि यह स्त्री क्रीड़ा की इच्छुक है तो मैं इसके साथ क्रीड़ा अवश्य करूंगा, परंतु ये क्रीड़ा उसके नहीं मेरे अनुसार होगी। अपने अपार सौंदर्य पर उसे बहुत गर्व है ना, उसी के बल पर मुझे अपने घुटनों पर झुकाना चाहती है ना, और चाहती है कि मैं स्वयं उसके पास जाऊं और उसे विवाह के लिए मनाऊं। मैं मिटा दूंगा उसका गर्व, उसे अपने आदेशों का पालन करना सिखाऊंगा। असुर महानायक शुंभ की पत्नी बनना है तो उसे मेरे शीश पर नहीं मेरे चरणों में वास करना होगा, और मैं उससे ये सब कुछ मनवा कर ही रहूंगा। उचित है भैया, सर्वथा उचित है, आपको यही करना चाहिए। चंड मंड जी असुर महानायक, आदेश दीजिए। बहुत हुआ प्रस्ताव भेजने का प्रपंच। जाओ जाओ और उस नारी को बंदी बना कर लाओ मेरे समक्ष यहाँ, और उसे स्वीकार हो या अस्वीकार, मैं उसे बलपूर्वक विवाह करके ही रहूंगा। उचित है, सर्वथा उचित है, ये चंड और मुंड की शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगी वो। असुर महानायक शुम का ये आदेश बहुत अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। असुर महानायक, मात्र बंदी बना कर रहा है उसे, अथवा भ्राता चंड का अर्थ है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्यों ना हम उससे धूम्रलोचन के वध का प्रतिशोध भी ले लें। उसकी उद्दंडता के दंड स्वरूप उसे थोड़ा प्रताड़ित भी क्यों ना कर लें, फिर तो वो आपकी आज्ञा अवश्य स्वीकार करेगी। चंड मंड, उचित कहा तुम दोनों ने, दंड दो उसे अवश्य दो, प्रतिशोध भी लो उसे। विनाश की आहट जो सुनकर भी अनसुना कर दे, उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है, और उससे भी बड़ा अभागा वो है जिसे भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है किंतु वो चाहकर भी उसे परिवर्तित करने में असमर्थ है। अब क्या करूं मैं, कैसे रोकूं असुर महानायक शुंभ को? इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे साथ लूरू और महेश पांडरक को भेजता हूं। क्या हुआ गणे, अब अपने अंतर्दृष्टि से क्या देखा तुम? भैया, अब शुंभ चंड और मुंड को मां पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है। गणेश जी, ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है। इसका तो एक ही परिणाम संभव है, माता कौशिकी के हाथों चंड मुंड का संहार। इंद्रदेव का कथन सर्वथा उचित। किंतु तुम क्यों चिंतित प्रतीत हो रहे हो गणेश? चंड और मुंड की शक्तियों से तो हम भली भांति परिचित हैं भैया, किंतु शुंभ ने अन्य दो असुरों का भी आवाहन किया है, रुरु और महेश पांडरक। अब ये दोनों कौन है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है भैया, किंतु शीघ्र ही उन दोनों का भी पूर्ण परिचय ज्ञात कर लूंगा मैं। रुरु और महेश पांडरक और महेश पांडरक और महेश पांडरक और महेश पांडरक और महेश। रुरु रुरु रुरु, ओ
असुर महानायक शंभ पुकार रहे हैं मुझे। असुर महानायक शुम, आपने आवाहन किया है मेरा, मैं अति शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। महेश पांडरक, महेश पांडरक, मैं महेश पांडरक अभी आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। महेश पांडरक, तो ये है रूरू और असुर महानायक शुंभ। आपने अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से हमें यहाँ बुलाया है, कहिए क्या आदेश है हमारे लिए? एक घमंडी नारी के मान को कुचलना है। मात्र एक नारी से युद्ध हेतु आपने हम दोनों का आवाहन किया। धूम्रलोचन जैसे शक्तिशाली असुर का वध करने वाली नारी असाधारण नहीं हो सकती, कदापि नहीं। क्या? ये क्या सुन रहा हूं मैं? उसने असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध कर दिया? तब तो अवश्य वो कोई दैवी शक्ति है। हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। यही तो मैं भी। यहाँ कोई प्रयास हो रहा है क्या जो तुम हंसने लगे हो? नहीं असुर महानायक, किंतु मैंने तो आपसे पूर्व ही कहा था कि उस दुष्ट नारी को उचित पाठ सिखाने के लिए चंड और मुंड ही पर्याप्त हैं। ये असुर आपके सामने हमें सुझाव देने का ये दुस्साहस कर रहे हैं कि हमें उस नारी से युद्ध करने के विचार का परित्याग कर देना चाहिए। वो भला युद्ध भूमि में हमारा क्या साथ देंगे? कदाचित वहां पहुंचकर अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और वहीं उस देवी की आरती करने लगेंगे। तो कितना अपमान होगा हमारा। ओ, समझ गया, चंड और मुंड अपने शब्दों से इन दोनों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सेनापति चंड और मुंड, आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस नारी को बंदी बनाने के लिए आपके पास कोई अति उत्तम रणनीति है। हमें भी तो सुनाइए, तनिक हम भी तो सुने। रणनीति? कैसी रणनीति? हम रणनीति बनाने में समय व्यर्थ नहीं करते, वो भी एक तुच्छ नारी के लिए। आप यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। जय
जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे, जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा, उसके बाद हम नहीं हमारे बाण बात करेंगे, क्योंकि मुंड और मैं उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी। अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी, तब मैं और चंड उस पर अपने विद्युत पाश फेंक कर बंदी बना लेंगे। फिर हम अपने विद्युत पाश खींचेंगे, जिससे वो बाणों के मध्य से होते हुए ऊपर की ओर उठेगी, जिससे उसे अपार पीड़ा होगी और वो चित्कार करेगी और उसकी चित्कार उन पर्वतों में गूंज उठेगी और उसकी वो चीत्कार की गूंज हमें अत्यंत आनंद देगी। फिर उसे मैं पुनः पृथ्वी पर फेंकूंगा और मैं उसके केश थाम लूंगा। वो रुदन करेगी, सिसकियां भरेगी और तब हम उसके भयभीत आतंकित आंखों में देखकर गर्जना करेंगे और उससे कहेंगे कि देखा देखा तुमने, हमारे असुर महानायक शुंभ के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का परिणाम तब वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांध देंगे हम और वो हाथ जोड़े भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आएगी और उसे इस प्रकार अपमानित करते हुए, उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर रुदन करते करते अपने दया की भिक्षा मांगेगी। अब महाराज असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के बड़ा आनंद आएगा मुझे जब वो सुंदरी मेरे चरणों में गिरेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई असुर महानायक शुंभ, बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्ञात नहीं मैंने इतने महावीर महाशक्तिशाली महायोद्धा का तिरस्कार क्या सोच कर किया। उचित है स्वामी, यह दंड मेरे लिए सर्वतः उचित है, मैं ऐसे ही दंड के योग्य हूँ। मैं अति प्रसन्न हुआ ये वर्णन सुनकर। अब शीघ्र ही इसे पूर्ण करो अपनी योजना से, उसी प्रकार उसे मेरे समक्ष आने पर विवश कर दो। जाओ। सुना तुम दोनों ने, सुना, मैं चंड मुंड की तरह सभी असुरों में एक आत्मविश्वास चाहता हूं। यदि तुम भीरु हो, अक्षम हो, तो स्वीकार करो कि तुम असुर महानायक के विश्वास के योग्य नहीं, अन्यथा मेरे आदेश का पालन करो। जाओ, उस नारी को बंदी बनाकर मेरे समक्ष यहाँ
प्रस्तुत करो। जाओ, जाओ। रक्ष संस्कृति से बंध है, हम असुर योद्धा है। असुर महानायक के आदेश का पालन कर उनके और असुरों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह हमारा परम कर्तव्य है। असुर महानायक शम, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यदि आप चाहते हैं कि मैं उस देवी के साथ युद्ध करूं, तो फिर उचित है, युद्ध होगा। रूरू ने असुर महानायक के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर दी। मैं ही पीछे रह गया। नहीं, मैं भी भीरु नहीं, यह भी प्रमाणित कर दूंगा। असुर महानायक, मुझे मेरा अधूरा कथन पूर्ण करने दीजिए। यदि उस नारी के पास दैवीय शक्तियां भी हैं, तो मैं क्रीड़ा कर उसे सताऊंगा और तब उसे मैं दंडित करूंगा। यदि आपकी अनुमति हो तो। अर्थात हमारे विचारों और उद्देश्य दोनों में समानता है। हाँ हाँ, तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलिए। यहां जो भी हो रहा है उचित नहीं है। इसका दुष्परिणाम निकट भविष्य में असुरों को अवश्य भुगतना होगा। कितना मूर्ख है ये शुम। रक्त बीज रूरू महिष पौंड्रक ने उसे समझाने की कितनी चेष्टा की, किंतु उसे चेतावनी तक दी कि मां के विरुद्ध जाने का भयंकर परिणाम होगा, किंतु फिर भी उसने अपने असुरों को मां के साथ लड़ने भेज दिया। ये सब तो माँ की ही लीला है भैया। उन्होंने मुझे धूम्रलोचन को उनके निकट लाने का जो उत्तरदायित्व सौंपा था, वो मैंने पूर्ण किया। अब शेष इसी प्रकार से धूम्रलोचन के वध के पश्चात चंडमुंड का भी भयंकर परिणाम होने वाला है। अब ये कैसे दूध भेजे हैं शुम ने? ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी दिव्य अनुपम कांति, जो पूर्व में हमने कभी नहीं देखा। क्या हुआ? ऐसे स्तब्ध रहकर मुझे टुकुर टुकुर देखने के लिए तो तुम्हारे स्वामी महानायक ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा होगा ना? तुम वास्तव में बहुत अहंकारी हो। तो हमने जो तुम्हारा आकलन किया था, वो सर्वथा उचित है। तुम्हारे द्वारा मेरे आकलन अथवा किसी अन्य के व्यर्थ संवाद में मुझे कोई रुचि नहीं। मैंने तुम्हारे स्वामी के लिए एक संदेश भेजा, अवश्य उसी का उत्तर लेकर आए होगे तुम यहाँ। तुम्हें क्या वास्तविक में ऐसा लगा कि तुम्हारी इस तुच्छ सी चुनौती का उत्तर देंगे असुर महानायक? हाँ, सुनो, अब अपना ये स्वांग त्याग कर चलो हमारे साथ। क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता को अनदेखा कर, तुम्हें क्षमा कर, हमारे स्वामी अभी भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है। तुम्हारे इस कथन में तो कुछ भी नवीन नहीं। ये तो उस असुर ने भी कहा था जो तुमसे पूर्व यहाँ आया था। उसका क्या परिणाम हुआ ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। कदाचित इसीलिए इतनी विशाल सेना लेकर तुम इतनी सी बात कहने यहाँ आए। इस अभिमानी नारी को हमारी सेना के सामर्थ्य का आभास नहीं है। ये तो हमारी बातों को वायु में उड़ा रही है। आ!
माता कौशिकी। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? महेश पौंड्र, ये ऐसे हाथ जोड़कर इस नारी के समक्ष क्यों बैठे हो? आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि जिनसे हम युद्ध करने यहाँ आए हैं वो और कोई नहीं, स्वयं जगत जननी माता कौशिकी हैं। नहीं बताया तो क्या हुआ? नाम में क्या रखा है? शत्रु का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहिए, वो कुपित हो जाएंगी, क्योंकि उनके प्रति बहुत ही धीरजतापूर्ण है आपके ये वचन। ये क्या कह रहे हो तुम? हसुर महानायक के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, असुर सेनापति मुंड कितने असुरों का वध किया है माता ने। एक बार माता ने एक असुर को पछाड़ पछाड़ कर उसका वध किया और फिर उसके शव को एक फंदे से बांधकर ऐसा फेंका कि वो शव मेरे ऊपर आकर गिरा। एक बार तो माता ने सहस्त्र असुरों की विशाल सेना का अंत कर उसे मेरे ही दलदल में फेंक दिया था। आज भी उनके शव वहां से उभरते हैं जिससे चील काग अपना भोजन बनाते हैं। अरे, इन्होंने नाम लिया नहीं और ये प्रस्तुत हो गए। ऐसी सुंदरी इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? किंतु आकाश में इन गिद्धों और चीलों के अवतरित होने का और क्या अर्थ समझूं मैं? ये तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। तभी तो रुरु और महेश पौंड्रक भयभीत दिखाई दे रहे हैं। कदाचित लौटना चाहिए हमें यहाँ से, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। इस मूर्ख असुर ने हमें पूर्व में ही इस नारी के बारे में बता दिया होता तो हम और सटीक योजना बनाते। अब क्या करें हम? इस प्रकार यहाँ आकर युद्ध भूमि से लौट भी नहीं सकते। एक दो पाश तो हमें इस पर फेंकने ही होंगे। इसके महिमा मंडल से हम भयभीत नहीं होंगे। जो भी है, ये है तो एक नारी ही ना। और हम बलशाली असुर सेनापति चंड और मुंड। हाँ, इसीलिए निशंक होकर अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। हम सबसे पहले अपने बाणों का वार करेंगे। हम देवी अवश्य तुम्हारे बाणों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ये इतने विश्वास से कह रहा है तो क्या ये सत्य है? क्या ये वास्तव में हमारे बाणों को नष्ट कर देगी? हम दोनों तो माँ के विरुद्ध जाकर उनसे नहीं लड़ रहे, किंतु आप दोनों को योद्धाओं का धर्म निभाना ही चाहिए। जैसा आपने असुर महानायक के राजभवन में कहा था, वैसे ही अपना पाश फेंक कर इन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न कीजिए। जिन्हें वो अवश्य चीर देंगे। ये किसे भेज दिया असुर महानायक ने हमारे साथ? हमारा साहस बढ़ाने आया है ये, अथवा उसे खंडित करने? नहीं, इन दोनों को अनसुना करना होगा हमें। मूर्ख असुरों, मुझसे युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो, ऐसे भीरू बन के क्यों खड़े हो? आओ युद्ध करो मुझसे। शक्तिशाली हैं हम, वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं हमें, और ये मात्र एक नारी, इसे तो हम अपने वश में कर सकते हैं। इसने उन असुरों को पराजित किया होगा जो बल में हमसे कम होंगे। हाँ, हम तो अति बलशाली
असुर चंड और बुंड है। असुर सैनिकों, यही है वो अहंकारी नारी जिसने हमारे असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध किया था। यही है वो नारी जो बार बार हमारे असुर महानायक का अपमान करती है। जाओ सैनिकों, जाकर अपनी शक्ति का परिचय दो, उचित पाठ पढ़ाओ और खींच के लाओ इसे हमारे कदमों में। जाओ सैनिकों। अब चंड और मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को माँ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। कितने भीरू हैं ये दोनों, माँ से स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को मृत्यु के मुख में प्रविष्ट कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उस असुर सेना का विनाश कर दूंगा।